हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या होती है और मैनुअली हम लोग कैसे गोल्डन रूल की मदद से जर्नल एंट्री करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बिल एलोकेशन। ठीक है, तो बिल एलोकेशन क्या होता है दोस्तों? जैसा कि हमने बताया कि अकाउंटेंसी में आपकी दो पार्टी होती है, एक होती है डेटर, एक होती है क्रेडिटर, मतलब लेनदार और देनदार। ठीक है, तो इन लोग का दोस्तों बिल बनता है। बिल जैसे कि मान लीजिए एक महीने की खरीदारी है, एक साल की खरीदारी है या विभिन्न कई महीनों की खरीदारी है। मान लीजिए एक महीने की खरीदारी है और वो शुरू होती है 1 जून से और जाती है 30 जून तक। उसने पेमेंट किया है 1 जुलाई को। ठीक है, तो 1 जून से लेकर 30 जून तक आपका बन जाएगा बिल, उसका पेमेंट होगा 1 जुलाई को। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सब सामान खरीदा गया हो, अलग अलग बिल होगा। और 1 जुलाई को जितना पेमेंट वो करेगा उतने ही बिल हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा हमारे डेटर से या क्रेडिटर से, जो भी पार्टी होगी। ठीक है, तो बिल एलोकेशन आपका एक फीचर होता है जो कि अकाउंटिंग फीचर होता है। कंपनी में आपके टैली में कंपनी में 3 प्रकार के फीचर होते हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर और स्टैचुरी फीचर। ठीक है, तो फीचर ओपन करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ता है, F11 जो कि राइट हैंड साइड पे नीचे आपका दिया हुआ है। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा आ गया अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर और स्टैचुरी एंड टैक्सेशन फीचर। ठीक है, तो इन्वेंटरी फीचर में जैसे ही जाएंगे तो देखिए पहला क्या है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली, तो इसको नो करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या यस करेंगे, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी। ठीक है, यूज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको भी नो कर देंगे क्योंकि जनरली हमारे इंडिया में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है। मल्टी करेंसी भी इनेबल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इंडिया में एक ही सिंगल करेंसी में काम करते हैं। देखिए उसके नीचे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में मेंटेन बिल वाइज डिटेल है, तो मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस करेंगे। ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं बिल एलोकेशन। तो जब बिल वाइज डिटेल हम यस कर देंगे तो क्या होगा, जब आप डेटर या क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि ये ओपनिंग बैलेंस तो टोटल अमाउंट है और टोटल अमाउंट के कितने बिल हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो हम नीचे आने के लिए या तो एरो की का प्रयोग करेंगे या इंटर का। ठीक है, तो यहां आएंगे, इसको यस करेंगे और यस करने के बाद डायरेक्ट सेव करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट सेव कर लीजिए, नहीं तो आपको इंटर करते हुए एकदम आखिरी वाले फीचर तक आके फिर इसको एक्सेप्ट कराना होगा। ठीक है, हमने एक्सेप्ट करा लिया। आइए अब हम एक लेजर बनाते हैं। लेजर कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो और लेजर। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, लेजर में आके क्रिएट करेंगे। नेम में हम डाल देते हैं आरके, आरके डालने के बाद हम आ जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे सन्ड्री डेटर और सन्ड्री डेटर हम इंटर करेंगे। मेंटेन बिल वाइज बिल यस करेंगे, इसके बाद इंटर करते जाएंगे। अगर एड्रेस है तो एड्रेस डाल देंगे, कंट्री स्टेट, और यहाँ पे बिल डाल देंगे। हमने कहा इन्होंने हमसे 2000 का सामान लिया और इंटर करेंगे। मान लीजिए पहला, अब यहाँ पे डेट में डेट लिखेंगे, नेम में डेटर का नाम नहीं लिखेंगे, बिल का इनवॉइस नंबर लिखेंगे। तो इनवॉइस नंबर हम लिख दे रहे हैं। अगर क्रेडिट डेज है तो क्रेडिट डेज, मतलब अगर आपने कोई पीरियड दिया है कि इतने समय के बाद आपको पे करना है तब वो डाल देंगे, नहीं तो हम यहाँ पे वही डेट डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए 1000 का 2 बिल हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम एक क्रेडिटर का बना लेते हैं, क्रेडिटर का बना लेते हैं हम सोनू के नाम से, ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे। इसमें भी यस कर देंगे, इनका भी डिटेल हो तो डाल देंगे और इनका भी बिल ले लेंगे हम, मान लीजिए इनका 1500 का है, इनका था 1 जुलाई, दो जुलाई, और 31 जुलाई।
ठीक है, ये बिल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 जुलाई को डेटर ने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, तो अब हमें एंट्री करनी है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या, मान लीजिए 1 जुलाई को डेटर ने हमें 1500 रुपए पे कर दिया, कितना 1500 रुपए। तो जनरल एंट्री के लिए क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, वाउचर के बाद हम लोग रिसिप्ट में जाएंगे क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं। तो रिसिप्ट के लिए देखिए ये राइट हैंड साइड पे यहाँ पे F6 लिखा है, F6 प्रेस करेंगे और हम लोग रिसिप्ट में आ जाएंगे। ठीक है, रिसिप्ट में आने के बाद ये सिंगल एंट्री मोड में खुला है, आप चाहें तो इसे डबल एंट्री में भी कर सकते हैं, हम लोग सिंगल एंट्री में करेंगे। ठीक है, तो डेट बदलने के लिए अभी 31 मार्च 2020 दिख रहा है, पर हमें कब हुआ है, 1 जुलाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 जुलाई। ठीक है, वाउचर में आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, उससे पैसे मिले हैं तो यहाँ पे अकाउंट लिखना होगा, स्पेस बार दबाएंगे, कैश लिख देंगे। ठीक है, उसने हमें पेमेंट कितना किया, आरके ने हमें पेमेंट किया है, आरके का बैलेंस आपको देखिए यहाँ पे 2000 दिखा रहा है। ठीक है, पर पेमेंट उसने किया 1500, तो 1500 लिख देंगे और 1500 लिखने के बाद उस तुरंत बिल पूछेगा। तो बिल में आप क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 चीज है, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो एडवांस नहीं लिखेंगे इसमें हम लोग, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे क्योंकि ये बिल हमारे पास है। तो जैसे अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो पूछेगा कौन से बिल का पैसा आपको नील करना है, तो सबसे पहले पहले वाले बिल का, तो जैसे पहले वाले बिल का ले लेंगे 1000 उसका, और अगेंस्ट रेफरेंस दूसरे वाले बिल का 500 उसका, क्योंकि उसने कितना पे किया 1500 और उसका बिल कितने का था, 2000 का। ठीक है, तो इतना करने के बाद इंटर कर देंगे और इंटर यहां पे लिख देंगे बींग, अमाउंट रिसीव्ड बाय आरके। ठीक है, इंटर कर देंगे, अब ये हो गया। अब हमें अपने क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए देखिए शॉर्टकट की आपकी क्या दी है, F5, या तो आप यहाँ पे प्रेस कर लें या F5 प्रेस कर लें। इसमें भी आप अकाउंट क्या करेंगे, स्पेस बार, अगर बैंक बना है तो बैंक, नहीं तो कैश है तो कैश। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे, देखिए 1500 रुपये जो आपको मिला था वो आपके करंट बैलेंस में दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हमें पेमेंट किसे करना है, सोनू को। अब सोनू का बिल हमने क्या बनाया था, जुलाई का था, तो हम अगस्त में पेमेंट करेंगे, तो F2 प्रेस करेंगे और इसको 1-8 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस बार दबाएंगे, सोनू को ले लेंगे, इसका 1500 है, हम कहे पूरा 1500 पे कर देंगे, तो अगेंस्ट रेफरेंस और इसके तीनों बिल इसमें इंटर करते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं, और इसमें लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड टू सोनू। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या देखा है कि बिल अगर दिया है तो उसको अगेंस्ट रेफरेंस में जनरल एंट्री के तहत कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप, मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, अगर आपको इस वीडियो या पिछली वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें एडवांस मिला है तो वो बिल कैसे एडजस्ट करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, अपने और दोस्तों को बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।